जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे, वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री क्लास 9, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, विद द न्यू टॉपिक द नाजी एंड वर्ल्ड व्यू। नाजिज्म कैसे काम करता था, क्या दुनिया की धारणा थी नाजी पार्टी के बारे में, या नाजी पार्टी खुद दुनिया को किस तरीके से देखती थी, क्या नज़रिया था उसका, इसके बारे में अब हम देखेंगे। Through the last video, I had explained you the story of First World War and Second World War. We had discussed to all things the rise and fall of Hitler. We had seen the growth and as well as downfall of Nazism. ये सारी चीज़ें हमने देखी, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना जो है वो इवॉल्व होती है, क्या उसका इफेक्ट होता है, हिटलर कैसे पार में आता है और फिर उसका डाउनफॉल कैसे होता है ना, नाजिज्म कैसे पनपता है, ये सब हमने देखा। Today we'll discuss that what is Nazism, what was its concept, how had it worked, etc. into two part. अब हम ये देखेंगे कि Nazi party क्या थी, क्या उसका काम करने का ढंग था, कैसे ये काम करती थी, इसका concept क्या था, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे लेकिन दो part में बांट करके, ठीक है। So let's start. Whole system of Nazism was based on belief and set of practices, belief of racial hierarchy. देखिए, टिल नाउ व्हाट वी हैड अंडरस्टैंड अबाउट द नाजी पार्टी एंड हिटलर दैट दे हेटेड ज्यूज। अब तक हमने क्या पढ़ा, हिटलर और नाजी पार्टी को देख के हमने ये समझा कि ज्यूज से हिटलर जो है वो नफरत करते थे। इन फर्स्ट वीडियो आई हैड टोल्ड यू दैट दे थॉट ओनली बिकॉज ऑफ ज्यूज जर्मनी लॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी क्या सोचती थी कि केवल ज्यूज के कारण ही जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारी है ना। वो और उसकी पार्टी पर्सनली ज्यूज को डिसलाइक करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दे कंसिडर दैट इफ़ वी वॉन्ट टू मेक द नेशन पावरफुल देन ओनली द सुपीरियर रेस इज रिक्वायर्ड एंड अदर्स शुड बी एलिमिनेटेड। हिटलर और उसकी पार्टी का क्या सोचना था कि अगर हमें अपने देश को स्ट्रांग बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो हमें अपने देश में केवल सुपीरियर रेस यानी सुपीरियर जो क्वालिटी के जो गुणों वाले जो लोग होते हैं उनको रखना पड़ेगा और अदर जो हैं उनको एलिमिनेट करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। यहाँ लिखा है ना बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की, ये क्या है बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की? लुक एट हियर इन फर्स्ट पॉइंट, इन विच पीपल ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेर एट टॉप एंड ज्यूज वर एट द लोअर रंग। सेकेंड पॉइंट है, अदर वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। अब ये क्या है देखो, द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म वॉज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की। अकॉर्डिंग टू दैट हिटलर एंड हिज पार्टी कंसिडर्ड दैट देयर इज अ हायरार्की इन ह्यूमन बींग बेस्ड ऑन रेस, है ना। नाजी पार्टी क्या सोचती थी, वो इस बिलीफ पर, कौन से बिलीफ पर बेस्ड थी नाजी पार्टी की जो का प्रिंसिपल जो था, जो उसकी अवधारणा थी, वो किस विचारों पर आधारित थी, रेशियल हायरार्की यानी नस्लवाद पर, नस्लभेद पर, है ना। जिसके कारण हिटलर और उसकी पार्टी जो थे वो ये कंसिडर करते थे कि दैट देयर इज़ अ हायरार्की इन ह्यूमन बींग बेस्ड ऑन रेस, मनुष्य में उनके गुणों के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेद किया जा सकता है और इसमें हायरार्की होनी चाहिए, यानी कोई लोअर पोजीशन पे होगा, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर और कोई एकदम टॉप पर, है ना। मतलब ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन की ये बात करते थे। नॉर्डिक जर्मन आर्यन हैड ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आइज एंड कंसिडर्ड सुपीरियर इन द कंपैरिजन ऑफ ज्यूज एंड अदर पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। दे मतलब कहता है ना कि नॉर्डिक आर्यन जो थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो थे, हिटलर और उसकी पार्टी इनको सुपीरियर रेस का मानती थी, सुपीरियर रेस की। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कैसे होते थे फिजिकली, इनके जो हेयर थे वो ब्लॉन्ड कलर के होते थे, इनकी आइज ब्लूज होती थी, ये फिजिकली स्ट्रांग होते थे और इसीलिए इनको सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता था ज्यूज के कंपैरिजन में, है ना। और ज्यूज ही नहीं, बाकी जो अदर कम्युनिटी के लोग थे उनको, ठीक है। अदर पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, ज्यूज एंड अदर पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस इन द रेशियल हायरार्की। अब ज्यूज और उससे और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे इनको जो है अलग इस सामाजिक
जो हायरार्की थी, जो सोपान था, जो नस्लवाद की जो अवधारणा लेकर के नाजी पार्टी चल रही थी, उसमें सबसे बिलो कैटेगरी में अगर कोई था तो ज्यूज था, और सबसे ऊपर टॉप पर अगर किसी की पोजीशन थी समाज में तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, है ना। और इनके बीच में अदर कम्युनिटी के जो लोग थे उनको प्लेस किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिलीफ दे स्टार्टेड टू एलिमिनेट द पीपल फ्रॉम द सोसाइटी। इस बिलीफ के आधार पर वो सोसाइटी से लोगों को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, दिस आइडिया ऑफ रेसिज्म वॉज बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन, सॉरी हेयर इज द स्पेलिंग एरर, चार्ल्स ड्रॉइंग लिखा है, इट शुड बी डार्विन, डी ए आर डब्ल्यू आई एन, चार्ल्स डार्विन। और इनका क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ये जो रेसियल हायरार्की थी, ये कुछ थिंकर्स के विचारों को, वो बोलते हैं कि हमारी जो धारणा है वो ऐसे ही नहीं है, ये कुछ साइंस बेस्ड है, और दो लोगों के, दो जो साइंटिस्ट थे उनके विचारों को ये लोग लेकर के अपनी इस अवधारणा को बनाते हैं। कौन से दो थिंकर? चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन की अवधारणा दी थी, कॉन्सेप्ट दिया था, और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर, जो आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लेकर के आते हैं। अब इसमें क्या है, देखो, डार्विन सेड दैट दोज हु हैड अडेप्टेशन विथ चेंजेस कैन सर्वाइव। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं, आप देखो यहाँ पे इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन का जो है, कि वो जिनमें अडेप्टेशन है, यानी जो अपने आप को अनुकूलन की जिनमें क्षमता है, वो सर्वाइव करेंगे, है ना। और स्पेंसर क्या कहते हैं, स्पेंसर गिवन द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना। स्पेंसर कहते हैं कि जो सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे फिट होगा, वही सर्वाइव करेगा, और बाकी को जो है वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, ये नेचर का रूल है। देखो, आप यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं। आप देख लो, ये चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें आप देख रहे होगे जो एनिमल्स हैं, जो भी है, हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, जो भी आप इसको कंसिडर कर लो, वेरिएशन है, सर्वाइवल है और अडेप्टेशन है। आप देख रहे हो पेड़ की जो लीव्स हैं वो कितनी ऊपर हैं, जो कम हाइट वाले हैं वो उन पत्तियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, है ना, कितनी डिफरेंस है, अंतर है, और जो ऊँची हाइट वाला है वो पत्ती तक पहुँच पा रहा है। सेकंड में देखो सर्वाइवल, जो शॉर्ट हाइट का है वो देखिए धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है, एक तो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, दूसरा कोशिश कर रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा, और तीसरा जो है सर्वाइव कौन कर रहा है, जो ऊंची हाइट वाला है। अब अडेप्टेशन क्या है, कि केवल वही लोग बचते हैं जो उस लीव तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं, यानी उस लेंथ के समान हाइट के हैं, बाकी जो है वो खाना ना मिलने के कारण अडेप्टेशन मतलब सर्वाइव कर ही नहीं पाते, है ना। तो डार्विन ये कहते हैं कि जिनमें अडेप्टेशन की क्षमता है ना, जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी नहीं। और हर्बर्ट स्पेंसर का क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में आप देखिए, इसमें दिया है, आप देखो ये रैट है, थोड़ा क्लियर नहीं है, है ना, मतलब यहाँ पे फिर बीच में डियर है या कुछ भी है, और टाइगर है, है ना। तो चूहे के पीछे, रैट के पीछे कौन पड़ता है, डियर, है ना, क्योंकि चूहा कमज़ोर है, रैट कमज़ोर है, तो उसको खाने के लिए डियर दौड़ता है, और डियर को कौन उसके पीछे पड़ता है, उसको भोजन वो किसका है, वो टाइगर का है। मतलब जो सबसे स्ट्रांग है, जो माइटी है, जो फिटेस्ट है, वही सर्वाइव करेगा, है ना, बाकी को जीने का अधिकार नहीं है। इस थ्योरी का ये मतलब निकालते हैं चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी का ये मतलब निकालते हुए हिटलर और उसकी नाजी पार्टी जो है वो साइंस का हवाला देते हुए अपनी बातों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दिस आइडिया, आप देखो यहाँ लिखा है, दिस आइडिया वॉज यूज्ड बाई रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कंक्वर्ड पीपल, एग्जाम्पल यूज्ड बाई नाजीज। देखो, दीज आइडियाज वेर मिस इंटरप्रिटेड, ये जो आइडियाज थे हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन के, ये वास्तव में इस पर उनका ये कंसेप्ट नहीं था, ये पर्सपेक्शन नहीं था, वो तो भाई साइंस की थ्योरी दे रहे थे, लेकिन जो नाजीज थे इन्होंने क्या किया, मिस इंटरप्रिटेड किया, या अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो इस तरीके के विचार रखती थी, उन्होंने डार्विन और स्पेंसर की थ्योरी को गलत तरीके से
लोगों को समझाने की कोशिश की. नाजी सेड दैट इन सोसाइटी ओनली द नॉर्डिक जर्मन आर्यन कुड सर्वाइव एज दे वर फिजिकली फिट. नाजी क्या कहते थे कि केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन चूँकि वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, फिजिकली फिट हैं, और इसलिए वही सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है, हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन. है ना, कहता है कि बट दीज साइंटिस्ट गिवन दीज थ्योरीज बेस्ड ऑन नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन इंटरवेंशन वॉज नेवर इंटेंडेड बाई दैम. बट रेसिस्ट थिंकर मिस इंटरप्रिटेड दिस थ्योरी. ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने नेचुरल प्रोसेस के तहत इन थ्योरी की बात की थी, लेकिन जो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव की बात नहीं की थी, लेकिन ये जो रेसिस्ट थिंकर थे इन्होंने इस थ्योरी का गलत इंटरप्रिटेशन किया. ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता भी है, इट मे बी आस्क दैट व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की. है ना, रेशियल हायरार्की की बिलीफ क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन दिस बिलीफ विद द रेफरेंस ऑफ द थ्योरी गिवन बाय डार्विन एंड स्पेंसर. है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन विच यू कैन राइट ऑल दिस अबव कंटेंट, जो मैंने अभी तक पढ़ाया ना उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसेरम. अब ये देखिए क्या है लेवेंसेरम, आप सोच रहे होगे क्या है, है ना. देखिए लेवेंसेरम इज़ अ जर्मन वर्ड, एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेवेंसेरम ऑफ लिविंग स्पेस. इसको लेवेंसेरम ऑफ लिविंग स्पेस भी कहते हैं. अब ये क्या है, लुक हियर, लेवेंसेरम ऑफ लिविंग स्पेस. New territory should be acquired for settlement related with attack on Poland. According to this idea, there should be living space. है ना, अब देखिए ये थ्योरी क्या कहती है कि this would enhance area of mother country, means more area for settlement, जिससे लोगों को ज़्यादा facility मिल पाएगी. लेवेंसेरम की policy क्या कहती है, living space की बात करती है कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, और ज़्यादा area हमें, मतलब कहते हैं ना कि enhance करना होगा हमें अपनी mother country को, अपने देश की सीमा को बढ़ाना होगा, जिससे लोगों को settlement करने में आसानी हो, उन्हें सुविधा मिले. And this was enhance the material resource and power of the German nation. साथ ही मतलब इससे क्या होगा, लोगों को रहने की भी सुविधा होगी, साथ में रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, है ना, देश की क्षमता भी अच्छी बढ़ेगी, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस से भी हम बाहर आएंगे. साथ ही रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाएगा. तो इफ़ आई रिमाइंड यू द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर टू डू इम्पीरियल एक्सपेंशन सो दैट ही अटैक्ड ऑन पोलैंड एंड ही वर्कड ऑन द पॉलिसी ऑफ लेवेंसेरम. हिटलर भी आपको याद है ना, मैंने कहा था कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है लगातार, रूर रीजन को, ऑस्ट्रिया को, सडेंट लैंड को, सबको रिकैप्चर वो करता है, अपने एरिया का, साम्राज्य का विस्तार करता है, पोलैंड पर अटैक करता है. क्यों करता है, और उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो लेवेंसेरम की पॉलिसी के आधार पर काम करता है. मतलब हमें अपने लोगों को ज़्यादा एरिया देना है, ज़्यादा एरिया हमारे अंडर में आएगा, लोगों को भी सेटलमेंट में आसानी होगी, सुविधाएं मिलेंगी, साथ में हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, जिनका हम अपने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, जर्मन बाउंड्रीज वेर एक्सटेंड टूवर्ड्स ईस्ट वर्ल्ड. वी कैन से दैट पोलैंड बिकम अ लेबोरेटरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटेशन. अब ये क्या है, देखो हिटलर अटैक्ड ऑन पोलैंड, ऑक्यूपाइड सम पार्ट ऑफ फ्रांस, एंड देन आफ्टर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर ही अटैक्ड ऑन सोवियत यूनियन बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजी सो दैट ही कैन गेन मोर लिविंग स्पेस फॉर सेटलमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी एंड वर्किंग ऑन दिस आइडियोलॉजी. ये लेवेंसेरम की पॉलिसी के तहत ही हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, उसने फ्रांस और के जो एरियाज थे उसको अपने कब्जे में लिया, सोवियत यूनियन से पर भी अटैक करता है वो, क्यों, ताकि लोगों को सेटलमेंट के लिए स्पेस मिल पाए और रिसोर्सेज उन जगहों का उसके हाथ में आ जाए, जिससे वो जर्मनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए, और ये सारा वो लेवेंसेरम की पॉलिसी के आधार पर करता है. तो इन दिस वे आई हैड एक्सप्लेन्ड यू द रेशियल व्यू ऑफ नाज़िज़्म. है ना, इस तरीके से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि नाज़िज़्म का रेशियल व्यू क्या था.
ठीक है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस दैट ऑन विच प्रिंसिपल्स द रेशियल स्टेट्स वेर क्रिएटेड, कौन से सिद्धांतों पर ये जो रेशियल स्टेट्स थे वो बनते हैं. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो. थैंक यू, जय हिंद.